नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रीक मेसनरी के बारे में। ब्रीक मेसनरी में कितने प्रकार ईट यूज होता है। स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ जॉइंट फ्रीज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं ब्रीक क्या है। मोल्डेड क्ले रेगुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ब्लॉक कच्चे मिट्टी से मोल्ड किया रेगुलर रेक्टेंगुलर ब्लॉक। उस मोल्डेड क्ले को पहले ड्राई किया जाता है, उसके बाद बर्न किया जाता है फॉर गेटिंग हार्ड एंड सॉलिड ब्लॉक। तो ब्रिक का जो फेस होता है, इस फेस का नाम है स्केचर। और इस फेस को बोलते हैं हेडर फेस। हेडर फेस ब्रिक मशीनरी मतलब क्या? ब्रिक और मोर्टार से किया हुआ कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं ब्रिक मशीनरी। ब्रिक मशीनरी में जिस प्रकार का ईट हम लोग यूज करते हैं फॉर स्पेशल टाइप ऑफ फिनिशिंग के लिए, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं क्लोजर के बारे में। क्लोजर क्या होता है? इट इज ए पीस ऑफ ब्रिक। मतलब क्लोजर एक ईट का टुकड़ा होता है, ये मोल्ड किया हुआ नहीं रहता। नॉट प्रिपेयर्ड बाय मोल्ड बट इट्स बाय द मेसन विथ the edge of the towel। मतलब जो मिस्त्री होता है काम की वक्त वो टावल से ईट को शेप देते हैं, तो वो जो शेप ईट का टुकड़ा निकलता है उसको हम लोग क्लोजर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप ऑफ क्लोजर के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं किंग क्लोजर। किंग क्लोजर काटिंग ए कॉर्नर ऑफ द ब्रिक जॉइनिंग मिडिल पॉइंट ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ ब्रिक। हेडर एंड स्ट्रेचर। ऑफ द ब्रिक मतलब जब ईट का कॉर्नर हेडर की मिडिल से बीच से एंड स्ट्रेचर की बीच से कटिंग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर कैसा दिखते हैं हम लोग देख लेते हैं। मतलब हेडर की इस तरफ से हाफ फेस से हाफ और इस फेस से जब ब्रिक को आधा से काट लिया जाता है तो जो शेप बनता है उसको किंग क्लोजर बोलते हैं। अब हम जानेंगे क्वीन क्लोजर के बारे में। क्वीन क्लोजर कटिंग लॉन्गिट्यूडिनली इन
टू इक्वल पार्ट, पार्ट मतलब ईट को जब लॉन्गिट्यूडनली दो इक्वल पार्ट में कार्टिंग किया जाता है उस शेप को हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ड्राइंग करके देख लेते हैं। दो पार्ट में हेडर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हम लोग जाना कि इनक्लोजर एंड क्वीन क्लोजर के बारे में, आप देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट जो टाइप है वेव हेल्ड क्लोजर, कार्टिंग ए ट्राइंगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक, गुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक हाफ विथ एंड फुल लेंथ, हाफ विथ एंड फुल लेंथ मतलब ब्रिक को एक ट्राइंगुलर शेप में काट लिया जाता है आधा हेडर की तरफ से एंड फुल लेंथ से काट लिया जाता है। जो काट के काटने के बाद जो शेप बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये दिखने में ऐसा लगता है, ठीक है। इस पोर्शन को ये वाला पोर्शन, ठीक है। हेडर की तरफ से आधा हिस्सा काट लिया जाता है और लेंथ फुल लेंथ बराबर काट लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप मिटरेट क्लोजर, इट्स ऑब्टेन बाय कटिंग ए ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ द बीक। फ्रॉम वन ऑफ हेडर फेस जब ब्रिक को कार्टिंग किया जाता है ट्राइंगुलर पार्ट में, किस तरफ कार्टिंग किया जाता है, वन ऑफ द हेडर फेस मतलब किसी एक हेडर फेस में जब ट्राइंगुलर शेप में कार्टिंग किया जाता है जो शेप निकल के आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मिटरेट क्लोजर। तो कार्टिंग किस एंगल से किया जाता है, कार्टिंग फेस इंक्लाइन, कार्टिंग फेस इंक्लाइन विथ एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री विथ लॉन्गर स्ट्रेचर स्ट्रेचर फेस ऑफ ब्रिक मतलब ब्रिक का जो स्ट्रेचर फेस है वो स्ट्रेचर फेस से वो इंक्लाइन हुआ रहता है 45 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर ये जो लॉन्गर फेस है ये लॉन्गर फेस से कितना एंगल होगा 45 टू 60 डिग्री एंगल में कटिंग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं इस शेप को मिटरेट क्लोजर। फिफ्थ नंबर पे बैट, बैट क्या होता है, बैट इट ए piece of brick and is designed according to length, to length
बैट क्या होता है? बैट एक ब्रिक का टुकड़ा होता है, ये डिजाइन किया जाता है लेंथ बराबर, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग बैट को डिजाइन किया जाता है। बैट थ्री टाइप का होता है, तीन टाइप का बैट होता है। पहला जो है हाफ बैट, इफ बैट इज हाफ ब्रिक लेंथ, मतलब ब्रिक को जब लेंथ बराबर आधा हिस्से में काट लिया जाता है तो उस शेप को हम लोग बोलते हैं हाफ बैट। तो दिखने में कैसा दिखता है हम लोग देख लेते हैं। ईट को आधा हिस्से में काट लिया जाता है, ये जो शेप पड़ा रहता है उसको बोलते हैं हाफ बैट। तो नेक्स्ट जो आता है बैट का सेकंड टाइप, थ्री क्वार्टर बैट, क्वार्टर बैट इफ इट इज थ्री फोर्थ ऑफ द ब्रिक। दोस्तों थ्री क्वार्टर बैट मतलब ब्रिक का थ्री फोर्थ पार्ट को बोलते हैं थ्री क्वार्टर बैट। ये थ्री फोर्थ पार्ट ब्रिक का, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थ्री क्वार्टर बैट। और ये वाला इसको हाफ लिखा नहीं विद्या। तो अभी बैट का तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं। बैट का तीसरा टाइप वीवल बैट, वीवल बैट, वीवल बैट मतलब कार्टिंग अकॉर्डिंग लेंथ विथ सम एंगल, सम एंगल मतलब ब्रिक को लेंथ बराबर कार्टिंग किया जाता है विथ सम एंगल में, तो उसका हम लोग बोलते हैं वेवल बैट। तो देख लेते हैं उसका शेप। देखने में ऐसा लगता है मतलब जब कटिंग किया जाता है एक एंगल से तब इसको वेवल बैट बोलते हैं। जो ब्रिक मशीनरी में लास्ट जो टाइप इस्तेमाल होता है उसका नाम है बुल नोज ब्रिक। दोस्तों सिक्स नंबर में जो टाइप है बुल नोज, बुल नोज मोल्डेड विथ राउंडेड एंगल, मोल्डेड विथ राउंडेड एंगल, एंगल is known as bullnose, मतलब ब्रिक को जब मोल्ड किया जाता है ग्राउंडेड एंगल से उस मोल्डेड शेप को हम लोग बोलते हैं bullnose। शेप को हम लोग बुलनोज बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।